धौलपुर के सभी पत्रकार एकजुट होकर बुधवार को जिला कलेक्ट्री पहुंचे, जहां पर उन्होंने यहां के चिकित्सा विभाग, पुलिस विभाग और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद सभी पत्रकारों ने जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल और एडिशनल एसपी बच्चन सिंह मीणा को एक ज्ञापन सौंपा। बता दें कि कुछ दिन पूर्व एक युवती जिला अस्पताल धौलपुर में सोनोग्राफी कराने गई थी। उसके बाद युवती ने आरोप लगाते हुए कहा कि सोनोग्राफी कक्ष के अंदर तैनात एक सिक्योरिटी गार्ड के सामने महिला चिकित्सक ने सोनोग्राफी करने के लिए उसे अपने कपड़े ऊपर उठाने को कहा, जिस पर वहां मौजूद गार्ड को युवती ने बाहर जाने को कहा, लेकिन वह बाहर नहीं गया। इसके बाद युवती बाहर आ गई और बेहोश हो गई। इस मामले को अस्पताल परिसर में मौजूद पत्रकार गजेंद्र ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, साथ ही इस दौरान पीड़ित युवती के बयान भी वीडियो में कैद कर लिए, जिसके बाद पत्रकार ज्योति लवानिया ने इस पूरे मामले को अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित कर दिया, जिसके बाद महिला चिकित्सक बुरी तरह बौखला गई। उसने पत्रकार ज्योति लवानिया को कई बार फोन करते हुए उसके साथ अभद्रता से बात करते हुए धमकियां दी। यही नहीं, महिला चिकित्सक ने मंगलवार को पत्रकार पर दबाव बनाने के लिए ताले से अपना सिर फोड़ लिया, जिसके बाद उसे आईसीयू वार्ड में भर्ती करवाया गया। महिला चिकित्सक की रिपोर्ट के आधार पर कोतवाली थाना पुलिस धौलपुर ने दोनों पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तुरंत कार्रवाई करते हुए पत्रकार गजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद धौलपुर शहर सहित जिले भर के पत्रकारों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इसे लेकर पत्रकार सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में एकत्रित हुए और पूरे मामले को लेकर आपस में वार्ता की, जिसमें पत्रकारों ने कहा कि चिकित्सा विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पत्रकारों को अनैतिक रूप से परेशान कर रहा है।